मंदसौर के भालपुरा में दो दिन पहले महिला की संदिग्ध हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। अंधे कत्ल का खुलासे में पुलिस को प्राथमिक तौर पर अवैध संबंध की बात सामने आई है। संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मंदसौर जिले के भानपुरा में 9 तारीख को एक महिला को संदिग्ध हालत में हत्या करके झाड़ियों में फेंक दिया गया था। भानपुरा पुलिस ने उस अंधे कत्ल का 48 घंटों में ही पर्दाफाश कर आरोपी जसवंत सिंह सूतलीखेड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी जसवंत सिंह का मृतका की देवरानी से नजदीकी संबंध होने के कारण उसे देवरानी की नजदीकियां पसंद नहीं थी। दिनांक 9 मई 2020 को रतन सिंह ग्राम सूतलीखेड़ा के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उसकी पत्नी श्यामूबाई 8 मई से दिन के 11 बजे लकड़ी लेने गई थी, फिर वो लौट कर नहीं आई है। इसी दौरान खबर लगी कि ग्राम सूतलीखेड़ा के नाले के पास बेसम की झाड़ियों में एक मृतका का शव पड़ा हुआ है। तत्काल वहां जाकर देखा गया तो पाया कि वो रतन सिंह की पत्नी श्यामूबाई का शरीर है, शव है। मृतका के शरीर पर गर्दन के पास चोट निशान थे, तो उसका पंजा उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी गला घोट के हत्या की गई है। संबंध का विरोध करते हुए देवरानी को दूसरे गांव चंदवासा भी भेज दिया गया। जसवंत को यह बात नागवारा गुजरी। मृतका द्वारा उसे बदनाम भी किया जा रहा था। उसने मृतका से बदला लेने की नीयत से उससे नजदीकियां बनाना शुरू की और कुछ दिन बाद मृतका को ही मिलने बुलाया। संबंध बनाते हुए उसकी साड़ी से गला घोटकर जंगल की झाड़ियों में ही मौत के घाट उतार दिया। मामले में SDOP फूल सिंह परसेते, DSP किरण चौहान, SI लाखन सिंह गरौट, राकेश चौधरी और टीम की सक्रियता से जल्द ही खुलासा हुआ। भानपुरा से दीपक रुद्रवाल की रिपोर्ट। मृतका 8 तारीख को अपने घर से 11 बजे नहरी निकली थी, फिर वो लौट कर नहीं आई थी। इस पूरे घटनाक्रम में ये सामने आई कि मृतका श्यामूबाई की देवरानी भग्गूबाई के साथ उसका विवाद था और करीब 2 माह पहले उसने देवरानी भग्गूबाई को भगा दिया था। और देवरानी भग्गूबाई के संबंध जो सूतलीखेड़ा के जस्सू उर्फ जसवंत सिंह से थे। जस्सू उर्फ जसवंत सिंह घटना दिनांक को घटना के बाद वो फरार यानी हो गया था। उसके छोटे भाई के द्वारा बताया गया कि वो भवानी मंडी गया हुआ है। तो जब उसको साइबर की वजह से उसको पकड़ पूछताछ की गई तो उसने घटना कार्य करना स्वीकार किया। उसके द्वारा बताया गया कि मृतका श्यामूबाई के द्वारा 2 माह पहले जस्सू जसवंत सिंह को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और उसने उसकी जो है देवरानी भग्गूबाई को भी यहाँ से यानी कि भगा दिया था, जो कि अपने मायके चंदवासा में रहती थी। और जस्सू तथा उसकी देवरानी के बीच में संबंध थे और वो भग्गूबाई को सूतलीखेड़ा में लाना चाहता था। इस संबंध में उसने श्यामूबाई से कहा कि उसको आने दो, लेकिन उसके द्वारा इसमें मना किया गया। तो इसी उसने उसको मारने की योजना बनाई।